आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, अगर आपके ऑफिस से कोई भी पीटीए भेजा जाता है, अगर कहा जाता है कि उसके अंदर आपको सिग्नेचर करने के लिए, या फिर आपको ये कहा जाता है कि उसके अंदर कोई भी भूल चूक हो गया तो उसके अंदर एडिट करने के लिए, तो आज के इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि पीडीएफ के अंदर आप कैसे एडिट कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. अगर आपके ऑफिस से कोई भी पीडीएफ आता है और कहा जाता है कि इसके अंदर चेंजेस करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? कोई भी कंप्यूटर दुकान पे जाओगे और जाने के बाद आप उसका जेरेक्स निकालोगे, उसके बाद अगर हैंडराइटिंग कुछ करना है तो आप इसके अंदर हैंडराइटिंग से चेंजेस करोगे, उसके बाद उसका पीडीएफ बनाओगे, उसके बाद आप अपने जो बॉस है उसको भेजोगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए किसी भी पीडीएफ के अंदर कुछ भी आपको चेंजेस करना है या फिर आपका जो सिग्नेचर है वो भी डालना है मान लीजिए, तो आपको इसके लिए आपको गूगल के अंदर जाना है, और गूगल के अंदर जाने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट के अंदर चले जाना है। तो जैसे आप इस वेबसाइट के अंदर जाओगे, जाने के बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे, पहुंचने के बाद यहाँ पे कहा जाएगा अपडेट पीडीएफ फाइल। तो जैसे आप अपडेट पीडीएफ फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको फोन के अंदर लेके जाएगा। तो जैसे आप फोन के अंदर जाओगे, जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है वो सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप अपना पीडीएफ सिलेक्ट करोगे, तो जैसे आप अपना पीडीएफ को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। लेने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई एंड चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई एंड चेंजेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कहा जाएगा आप क्या चेंजेस करना चाहते हो। तो अगर आप इसके ऊपर कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आपको क्रॉप शॉप करना है तो क्रॉप के अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। तो जैसे आप एडिट बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका एक छोटा सा प्रोसेस लेगा। लेने के बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। जो भी आप एडिट के अंदर चेंजेस करना चाहते हो वो आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं चेंजेस कर रहा हूँ। तो आप आसानी से पीडीएफ के अंदर आप एडिट कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो जैसे आपका एडिट कंप्लीट हो जाएगा, एडिट कंप्लीट होने के बाद अप्लाई एंड चेंजेस के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखोगे कि आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे, आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आपको भी पीडीएफ के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो आप इस वाले वेबसाइट के अंदर जा सकते हो, और आप जो भी आपको चेंज करना है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताना कि वीडियो के अंदर क्या चेंजेस करना चाहिए, आप मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ही जाना, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।